हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। खास क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं इयर्स के नाम लिखे हुए हैं, 2019 है, 18 है, 21 है, 19 है, फिर इसी तरह से लिखे हुए हैं नाम। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमको मान लीजिए पर्टिकुलर 2019 में कितने की टोटल सेलिंग हुई है, ये देखिए ये टोटल सेलिंग है, तो ये टोटल सेलिंग हमको पता करनी है 2019 में। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए एक तो तरीका ये है कि इज इक्वल टू का निशान लगाइए, फिर यहाँ पे देखिए 2019 ये है तो टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ पे देखिए ये 2018 है, ये 2021 है, फिर ये 2019 है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर देखिए 2019 कहाँ पे, फिर यहाँ पे 2019 है, तो फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर देखिए यहाँ पे 2018 है, 21 है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 2019 है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर देखिए यहाँ पर 2019 है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 987,800 रुपए आ रहा है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा डेटा होगा तो इस तरह से खोजने में बहुत परेशानी होगी आपको। ठीक है, अभी भी हो रही है, और बड़ा डेटा होगा तो और ज्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला बना हुआ है सम इफ का, तो आप सम इफ लगाइए और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा कुछ इस तरीके से। पहले इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ईयर के ही बेस पे हमको पता करना है, तो ईयर ले लिया हमने, कॉमा दिया, किसके बेस पे, 2019 के बेस पे, तो 2019 को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, और अब हमको टोटल पता करना है, तो पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर जाइए, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, बंद कीजिए ब्रैकेट को, एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर सेम रिजल्ट आपको मिल जाता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।